मोटिवेशनल वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। कहा जाता है श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम भगवत गीता के 111 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं। प्लीज आप लोग देखिएगा, जिन्हें जाकर आप भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे, इसलिए इन विचारों को आप हर सुबह सुनो। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से आपके घर में आपको सुख शांति और जो भी करने की इच्छा है आप आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह से वीडियो लेकर आता रहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। मेरे दोस्त, समय रहते हुए आपने कुछ भी नहीं किया तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। तो क्या है, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जरूरी है ये सब जानना। जिस तरह से प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है, इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब उससे आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस आवश्यक पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम जिंदगी में हमेशा वही चीज़ देखते हैं जो हमें ना मिल सकी। हमें जिंदगी ने बहुत कुछ दिया लेकिन हमने कभी उसकी कद्र नहीं की। थोड़ा सा भी दुख जिंदगी में आता है तो हम अटक जाते हैं, जरा सा दुख मिल जाता है तो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इंसान की फितरत कितनी अजीब है, इसे अपने दुख से ज़्यादा दूसरों का सुख दर्द देता है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जिंदगी में वही आगे बढ़ते हैं जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जिंदगी में कामयाब होने की ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना, सही समय, सही तरीका, सही सोच। जी हाँ दोस्तों, तीनों आपको बहुत ज़रूरी है जानना। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर यह समझ में आया कि किसी भी हालात में वो टूटने मत देना, क्योंकि जब यह दुनिया टूटने पर भगवान को घर से निकाल देती है तो फिर हमारी क्या औकात है। हाथी भी एक कमज़ोर और छोटी सी रस्सी से बंधा होता है, वह चाहे तो रस्सी को कभी भी तोड़ सकता है लेकिन नहीं तोड़ता है। बचपन से ही उसे पालती रस्सी से बांधा जाता है और उस समय वह रस्सी को तोड़ नहीं पाता। उसके मन में यह बात बैठ जाती है कि वह रस्सी को कभी तोड़ नहीं पाएगा, वह रस्सी से बंधा रहता है, उसे तोड़ने की कभी कोशिश नहीं करता है। हमारे साथ भी तो यही होता है, छोटे छोटे दुख, छोटी छोटी परेशानियाँ आती ही रहती हैं, इसमें इतना ज़्यादा विचलित कर देती हैं। हम अपने मन में यह धारण बना लेते हैं, जब तक यह दुख यह परेशानियां हमारे जीवन से नहीं जाएंगे हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और हमारी यह गलत सोच हमें जिंदगी भर रुक कर रखती है। हम क्यों भूल जाते हैं कि परेशानियां तो सबकी जिंदगी में आती है और यह परेशानी हमेशा आती रहेगी। इनके चक्कर में हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए तो अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेंगे। अरे आगे बढ़ो, कोशिश करो, हिम्मत लगाओ, रिस्क लेने से मत डरो, या तो जीत मिलेगी या तो सीख मिलेगी। जिंदगी में कुछ सख्त फैसले लेने पड़ते हैं।